यहीं पर बोटिंग होता था। देखो पार्क है, क्या गाड़ी चला रहा था यार इस लड़की को बैठा करके। यार वो बंदा फिर आ गया। वैसे बोला जाता है ना भाई कि हाईवे पे एक राइडर मिल ही जाता है। तो पहला तो बुलेट राइडर था, बुलेट राजा था रानी के साथ। अब ये है स्कूटी राइडर। ये कौन सा स्कूटी चला रहा है? एक्टिवा, एक्टिवा 5G। यार ये गाड़ी वाला पास ही नहीं दे रहा है मेरा। अभी मैं बचा मरते मरते, पहुँच गया। बारिश मत होना भाई प्लीज़ यार, बारिश मत होना यार। देखो देखते देखते कंपनी ने क्या इमारत खड़ा कर दिया यार, सॉलिड। तो यार देखो दादी निकली हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, निकलते यार यहाँ से अपने घर की ओर। यह है कैफेटेरिया का सीन, कुछ ऐसा है। चलो यार, परमिशन है अंदर गाड़ी घुसाने का। चलो अब देखो कैफेटेरिया हज़ारीबाग का कुछ ऐसा है। देखो ये पार्क है कैफेटेरिया का, यही पार्क है। और ये झील वगैरह, यहाँ बोटिंग भी होता था यार एक टाइम में, बोटिंग होता था। लेकिन शायद बोटिंग बंद कर दिया क्या, देखिए यहाँ ही से बोटिंग होता था, यहाँ पर होता था, यहाँ पे बोटिंग होता था। वहाँ पे देखो यहाँ बोट एक लगा हुआ है ना, यहीं पे बोटिंग होता था। देखो पार्क है, यहीं बोटिंग होता था। बस यही हज़ारीबाग कैफेटेरिया, ये बहुत फेमस जगह है। बचपन में मैं यहाँ बहुत आता था, और बचपन में सबसे मज़ा कब आता था, जब मैं अपने चाचा के साथ आता था यहाँ पर। चाचा जब मेरे स्टार्टिंग में बाइक लिए थे ना, जब न्यू बाइक लिए थे, तो डेली हम लोग सुबह में घूमने के लिए यहाँ पर आते थे। बचपन में मैं दादी के पास पढ़ता था, इसलिए तो बचपन में हमेशा मैं यहीं आता था घूमने के लिए। यार यहाँ तो समझ रहे हो ना, पूरा कपल ही कपल है यहाँ पे, एकदम कपल ही कपल मिलेगा। देखो यार सब जगह, यहाँ से मुड़ूंगा वापस, मुड़ गया इसी रूट पे, क्योंकि उधर से रास्ता नहीं था मेरे जाने का। उधर से अगर मैं जाता तो वापस मेरा घर आ जाता, उधर से मेरा घर का रूट है। तो इधर ही से फिर वापस निकलना होगा, और इस रूट पे वापस आ गया। देख लो यार एक बार और, देख लो सीन, देख लो यहाँ का। यार कसम से बता रहा हूँ, ये ना जो प्लेस है ना, हम हज़ारीबाग का सबसे फेमस है। किसी को ये बोलने का, हाँ कैफेटेरिया, समझ जाएगा कैफेटेरिया नाम से। यार स्वर्ण जयंती पार्क है यहाँ पे, यही पार्क का नाम है। यार यहाँ रात को इतना भीड़ रहता है ना कि पूछो ही मत, बहुत भीड़ रहेगा यहाँ पे। और यार वैसे ही मज़ा भी बहुत आता है यहाँ पे रात के वक्त। देखो यहाँ पे हज़ारीबाग पुलिस का यहाँ पे लगा हुआ है, तो रात में सब ब्लॉक हो जाता है, थोड़ी देर में सब ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, लेफ्ट ले करके सीधे हाईवे। अब मैं पूरा बाईपास हो जाऊँगा हज़ारीबाग का। यार ये सीधे में जो बंदा जा रहा है, ये क्या गाड़ी चला रहा था यार इस लड़की को बैठा करके। किस्मत कैमरा ऑन नहीं था, वरना सब रिकॉर्ड होता, सब दिखता तुम लोग को। ये क्या गाड़ी चला रहा था यार, मतलब कि दो ट्रक के बीच से गाड़ी काटा इस बंदे ने अब लड़की को बैठा करके। और लड़की भी पूरा मज़ा ले रही है, मानना पड़ेगा यार, जान का कुछ अहमियत नहीं है यार। इतना डेंजर सीन आया ना यार मेरे सामने, इतना डेंजर सीन यार, मैं कैमरा ही बंद कर दे रहा हूँ। इतना डेंजर सीन आया ना, एक बाइक पे ना आगे टंकी पास बच्चा बैठा हुआ था, फिर उसके जो फादर जो भी था, लड़का आदमी जो भी था, वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, बीच में फिर पीछे वाइफ बैठी हुई थी सामान वगैरह ले करके, और उसके हाथ में छोटा सा बच्चा, साल भर का भी नहीं होगा, कुछ महीना का था यार। इतना गंदा
यानी समझो कि वो बच्चा को बचा लेकिन सामान गिरा दी, यानी बम्पर पे ऐसा कूदा है ना कि बच्चा को वो पकड़ ली लेकिन बच्चा को गिरने नहीं दी, लेकिन सामान पूरा गिर गया वहाँ पे। यार किस्मत, किस्मत बोलो कि आज मेरा किस्मत ख़राब है। हम इतना तगड़ा तगड़ा शॉट था, इतना भयानक भयानक वीडियो था, देखने को मिलता पब्लिक को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या करूँ यार, फैमिली को बैठा के रखा है लेकिन उल्टा फुल्टा गाड़ी चला रहा है, उल्टा सीधा हरकत कर रहा है। यार वो बंदा फिर आ गया कसम से, हमको लगा उधर उसका घर होगा, कुछ होगा उधर, ये मुड़ के चल गया था। कितने देर बाद, 20 से निकला है, यानी किस क्या बोलूँ यार। और अभी जैसे निकला ना तो सेम गाड़ी चलाते हुए एक गाड़ी वाला डिपर मारा, इससे पास मांगा, पास ही नहीं दिया, घुस गया, गाड़ी वाला ब्रेक मार दिया और मेरे आगे से निकला है। यार ये एकदम फुल्ली जोश में है यार, इधर भी बंदा फुल्ली जोश में, फुल्ली जोश में, क्या बोलूँ यार, फुल एकदम लग रहा है कि चढ़ा के रखा है, लड़की बैठा करके गाड़ी चला रहा है लेकिन इसको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है। एकदम लग रहा है कि पागलों की जैसा गाड़ी चला रहा है, बुलेट नहीं मिल गया कि क्या मिल गया हाथ में भाई, अगर हीरो होंडा रहता तो पता चलता। ये मैं हज़ारीबाग से आउट, अब ये यहाँ से कल्टी मार रहा हूँ, हज़ारीबाग छोड़ रहा हूँ। ये तो बरही वगैरह बिहार जितने ट्रक आते हैं इस रूट से आते हैं यार, यहाँ बहुत कुछ खुल गया है, निहारिका होटल, फिर साइड साइड में बहुत कुछ खुल गया यार। चलो देखता हूँ यार, शाम का टाइम है, अभी तो कोई सीन लगता नहीं है कि मिलेगा, बट अगर सीन मिलता है तो ज़रूर दिखाता हूँ। चलो यार देखते हैं, वैसे तो पूरा अंधेरा होने पर मुझे अच्छा तो लगेगा नहीं, बट ठीक है, खूबसूरत सा सीन है, बहुत खूबसूरत सा। ये रहा पहाड़, अच्छा एक हज़ारीबाग में पहाड़ था ना, हज़ारीबाग जब फुर्सत से आऊँगा ना तो उस जगह पे ले जाऊँगा, बट यार ये पहाड़ देखो क्या है यार, एकदम एक नंबर बना हुआ है। ये घर वगैरह है, अगल बगल एक फैक्ट्री है क्या, और ये पहाड़ का सीन है, बहुत धांसू लग रहा है यार कसम से, बहुत तगड़ा लग रहा है। वैसे तो झारखंड में पहाड़ बहुत है लेकिन लाइफ में ना मौका मिलेगा तो हिमाचल ज़रूर जाऊंगा, वहाँ भी तो बहुत पहाड़ है, मज़ा आएगा वहाँ पे भी। वैसे बोला जाता है ना भाई कि हाईवे पे एक ना एक राइडर मिल ही जाता है, तो पहला तो बुलेट राइडर था, बुलेट राजा था रानी के साथ, अब ये है स्कूटी राइडर। ये कौन सा स्कूटी चला रहा है, एक्टिवा, एक्टिवा 5G। बंदा इतना जोश में है ना, क्या बोल रहा है, इतना जोश में बंदा चल रहा है ना, इसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इतना जोश में ये तो लगता है कि बुलेट राजा पार्ट 2 बन कर गया है। पहले वाला सीन कम था क्या, ये सीन आ गया, यहाँ फैक्ट्री वगैरह है, और बंदा जो आ रहा है जिस स्पीड से आ रहा है ना यार, लाजवाब स्पीड है इसको तो मज़ा आ रहा है आगे पीछे खेलने में इसके साथ। आ गए हम लेफ्ट साइड में रिलायंस का पेट्रोल पंप है, और यार क्या खुली खुली हवा चल रही है यार, पूरा ओपन एरिया है, पूरा ओपन है, कितना मज़ा आ रहा है। देखो हर कोई हाईवे पर राइडर बनता है, ठीक है हाईवे राइडर के लिए हो भी करता है, तो इतना खुला खुला एरिया ना यार, इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना। देखो वहाँ पहाड़ नहीं दिखेगा तो बता देता हूँ, पूरा खुला खुला एरिया, हज़ारीबाग है ना वो समझो कि पूरा जंगल से भरा हुआ है। देखो राइडर फिस गया बगल से, राइडर होता है सब, अच्छा राइडर होता है यार, धांसू राइडर कहते हैं सबको। देखो पहली बात तो हज़ारीबाग जो है ना यार, बता देता हूँ कि पूरा जंगल से, पूरा जंगल के बीच में शहर है इसलिए, और इसका कुछ हिस्ट्री था हज़ारीबाग का, उस कारण से भी इसका हज़ारीबाग नाम है। पता चलेगा पास्ट का क्या हिस्ट्री था जिसका हज़ारीबाग नाम है तो ज़रूर बताऊँगा यार। तो गाइस घाटी क्षेत्र में आपका स्वागत है, यहाँ से स्टार्ट होता है घाटी ही घाटी, बढ़िया घाटी मत समझना कि बहुत लंबा है, ये चंद पलों यानी थोड़ा देर का ये घाटी है यार, जंगल में लेकिन मंगल सूट नहीं करेगा, यहाँ जंगल उस तरह का मंगल वाला नहीं, एक नॉर्मल सा जंगल होता है वो अलग बात होता है, ये पूरा ही जंगल से घिरा हुआ है, तो यहाँ प्लीज़ कृपया करके जंगलों में मंगल ना करें। देखो यार सीन, देखो
कितना सॉलिड है। एक वक्त था जो ये नीचे में रोड देख रहे हैं मंदिर के लेफ्ट में जो है, इस रोड से गाड़ी जाता था, समझो कि ये पूरा ऐसे घूम करके जाता था नीचे से। बट एक्सीडेंट इतना होने लगा ना, कच्चा रोड था, एक्सीडेंट इतना होने लगा ना कि इसको इस तरफ से करना पड़ा, थोड़ा चौड़ा करना पड़ा। यानी एक्सीडेंट का तो पूरा ढेर लग जाता था यार। मंदिर पहले राइट पड़ता था लेकिन अब लेफ्ट पड़ता है यार। देखो सीन कितना सॉलिड है, पूरा कुहासा है, पूरा कुहासा है अंदर, पूरा ठंड से भरा हुआ है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। हज़ारीबाग पूरा जंगली इलाका है ही, पूरा बीच में हज़ारीबाग है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है। ये ऊपर में पहाड़ है, पहले समझो कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये पहाड़ था, इसको काट के पूरा साइड किया गया, बीच से इसको रोड निकाला और साइड कैसे ही छोड़ दिया। ये रोड अभी यहाँ जाके गायब हो जाएगा, फिर आगे हल्का सा दिखेगा। तो चलो यार चलते हैं यहाँ से, वैसे भी 6 बजने वाला है और फ़ोन मैं तो अभी रिसीव नहीं किया, देखा कि फ़ोन बज रहा था, मैं समझ गया मम्मी कॉल करती होंगी, वैसे ही बहुत परेशान रहती हैं यार हर वक्त कॉल पे कॉल। देखो ये रोड दिख रहा है, ये रोड बोले ना कि ये रोड पूरा ऐसे जा करके नीचे से मिलता था, ये पूरा नीचे ही नीचे चल रहा है। ये पहाड़ था, इसको काट करके पूरा काट के छाट के हटा करके इसको रोड बनाया है, यानी परफेक्ट किया है। पहले था कि बहुत एक्सीडेंट होता था, बहुत एक्सीडेंट होता था। और यार देखो सीन कितना धांसू है, पूरा सीन यार बहुत धांसू है। अब इसके बाद मैं पहुँचूँगा चरी, तो यहाँ से निकलता हूँ। वेलकम टू चरी ब्रो। देखो यार ज़िंदगी में कभी भी बिहार रूट से आओगे, झारखंड घुसोगे, तो ज़िंदगी में ना एड़ी एड़ी से सर तक का जोर लगाना, इस रूट को तुम पार की बिना नहीं जा सकते हो। अगर मेन NH से तुमको जाना है तो इस रूट को पार की बिना नहीं जा सकते हो। अरे दूसरी बात, MSK भाई हमेशा कहते हैं सुबह की चुस्की, तो यार अब मैं मारने जा रहा हूँ शाम की चुस्की, अब मारता हूँ शाम की चुस्की। चलो यार हो गया चाय नाश्ता तो हो गया यार। यहाँ मैं ना MSK तापिन CCL प्रोजेक्ट 6 किलोमीटर, परेज CCL प्रोजेक्ट 11, टाटा कोइलवरी घाटो नहीं तो जाना है मेरे को 18 किलोमीटर, कुजू 30 किलोमीटर। तो यार मैं तो चाय की चुस्की ले लिया यार। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद एक मोटो ब्लॉगर हूँ, मैं देखता हूँ MSK भाई की वीडियो, जेस फिल्म्स के भी वगैरह का देखता हूँ मैं, गुरनाम ब्लॉग तो, लेकिन सबसे ज़्यादा आमिर माजिद की भी मैं देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ MSK का। MSK भाई का क्या ब्लॉग होता है यार, उसका डेली मैं ब्लॉग देखता हूँ, एक भी नहीं छोड़ता। अभी रसिया टूर पे वो लोग हैं, तो यार उनका एक डायलॉग या लाइन मुझे बहुत पसंद है, डेली सुबह उठते हैं, उसके बाद शफीक भाई चाय लाते हैं, उसके बाद यार सब साथ में चाय पीते हैं, और उन लोगों का डायलॉग रहता है, लाइन रहता है चाय की चुस्की, ये लाइन रहता है। तो यार सेम मैं चाय की चुस्की वो लोग सुबह में लेते थे, मैं शाम में लिया चाय की चुस्की, और ये जो सिलसिला है ये हमेशा चलते रहेगा। अब साकिब भाई भी चाय की चुस्की हमेशा लेंगे। देखो क्या खुला खुला मैदान है यार, क्या ओपन है एकदम, कितना मस्त लग रहा है यार, हवा चल रहा है यहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। बिहार में अक्सर देखता था जब शाम के टाइम में घूमता था ना, तो देखता था कि बगीचा वगैरह या ओपन एरिया में भाई क्या बोलूँ, चारपाई लगा करके बहुत लोग लेटा रहता था। और एक दिन मैं भी लेटा था तो यार इतना अच्छा फील आया था ना, बहुत मज़ा आया था। देखो तापिंग साउथ जो है ना वो इधर है 4 किलोमीटर। वाह यार इवनिंग जॉगिंग मस्त है। देखो वहाँ सीन यार, पूरा झारखंड में सीन ही सीन मिलेगा, मज़ा बहुत आता है यार। ऐसा फील आ रहा है कि बारिश स्टार्ट हो रहा है यार। मैं तो अपने GoPro का वाटरप्रूफ केस भी नहीं लाया, ना मेरे पास कोई प्लास्टिक है ढकने के लिए, तो मुझे लगता है इस लोकेशन को जितना जल्दी छोड़ूंगा उतना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो यार गाड़ी दाबता हूँ निकल, यार ये गाड़ी वाला पास ही नहीं दे रहा है, मेरा ब्रेक पे पैर रखने का
सबसे मेन रीज़न ये गाड़ी वाला है, इसको मैं बहुत गंदा ओवरटेक करूँगा, यानी करूँगा ओवरटेक लेकिन वक्त आने पे, यानी वैसा अगर वक्त होगा तो करूँगा, जैसे कि अभी मैं बचा मरते मरते, कर नहीं है ओवरटेक भाई, टाइम लगता है क्या ओवरटेक करने में आप। चलो यार अब फाइनली बारिश ना हो, मैं तापिन पहुंच गया, बारिश में तो ना भाई प्लीज़ यार, बारिश में तो ना नहीं झेल पाऊँगा, मुझे जल्दी घर निकलना है, बारिश मत हो ना यार। देखो यार रात का जो सीन है, जैसे अभी अंधेरा होने वाला है, हो रहा है धीरे धीरे, हो गया ही समझो, तो रात का सीन कुछ ऐसा है मेरे घर जाने के रास्ते पे, एकदम सुनसान पूरा जंगल ही जंगल है। देखो यार पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे, हमको ना देखता हूँ 100 छू पाता हूँ कि नहीं, 100 का स्पीड पे जा पाता हूँ कि नहीं, भाई डर लग रहा था आगे मुझे गाड़ी ना आ जाए, यहाँ पे एक ठो गड्ढा टाइप का है वो चल गया, वहाँ गाड़ी बहुत स्पीड में उछलता है। और यार ये हम परेज आ गए, परेज बस्ती उधर घर वगैरह एरिया, और मैं परेज आ चुका हूँ, गाड़ो मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करना बस 10 मिनट का। तब यार मीटिंग चल रही है, अच्छा मुखिया वाला इलेक्शन का, ठीक 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 करो करो मीटिंग करो, मीटिंग चल रहा था यार, मजाक है, यहाँ ये लोगों को ही टच कर देता, सब चाड़ के मारता है, अभी ये लोगों को छूता क्या नहीं, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है पूरा, समझो कि सेकंड पार्टी आने वाला है इसलिए पूरा एकदम आर्मी खड़ा है, बताते हैं साला कैसे वोट नहीं मिलेगा। तो ये है, देखो बोला था ना कि वहाँ एक मीटिंग चल रहा था मुखिया पद का, यहाँ भी एक मीटिंग चल रहा है, चलो ठीक है मीटिंग करो यार तुम लोग अच्छे से करो। देखो अब हम इंटर कर गए हैं अपने घाटों, ये मेरा इलाका है। देखो ये है खोद खोद के कंपनी फेंक फेंक के पहाड़ बना दिया, ठीक है देख लिया अभी आपने, इसको अच्छे से सजाया है, बस थोड़ा डिज़ाइनिंग बाकी है, देखो यार वहाँ से डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ से कट करेगा डिज़ाइन करेगा और मस्त लगेगा समझा, एंट्री करोगे तो पूरा भयानक लगेगा, अभी से ज़्यादा लगेगा। अच्छा यार मजाक कर रही है, सच में समझ लेना, कोई इसमें मेकअप वकअप नहीं होगा यार। देखो देखते देखते कंपनी ने क्या इमारत खड़ा कर दिया यार, सॉलिड, एक टाइम था कुछ महीना पहले जब एक डंडा था यहाँ पे, बट देखो देखते देखते क्या इमारत खड़ा कर दिया कंपनी ने, पूरा फील्ड में अपना एक वर्कशॉप या कुछ भी है तो बैठा लिया, तीन तीन जोड़ जोड़ के कंपनी ने इस बड़े इमारत को खड़ा किया, जो कि अब पूरा कवर करता, क्या लगता है यार वो जो चमक रहा है समझो कि ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है ना करकट, वो है उसके अंदर लाइट लगा होगा, अंदर जितना लाइट चमक रहा है उससे पता चल रहा है बाहर तक। देखो यार यहाँ से जो राइट साइड रास्ता गया है ना, यहाँ से गाड़ी आया, ये मैं समझो कि उधर साइड का हिस्सा हटा दिया कंपनी तो बीच मार्केट से जाऊँगा, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा यार, इसके ऊपर एक नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊँगा मेरे एरिया का रात का सीन, यहाँ से लेके हाउसिंग से लेके पूरा कवर करूँगा, नाइट का क्या सीन होता है यार, फास्ट फूड के लिए तो मार होता है लेकिन उस दिन मार होगा कि नहीं आई डोंट नो, ठीक है माइंड मत करना, बस सुन करके एक कान से निकाल देना यार। यहाँ लगता है मेरे घर तरफ लाइट कटा हुआ है, लाइट तो कटा हुआ है, हर बार की तरह इस बार भी ग्रैंड एंट्री करते हुए अब हम अंदर चलते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, अंधेरा हो गया पूरा। यार पहुँच गए घर और लाइट कटा हुआ है इसलिए इन्वर्टर वाला चला करके बात कर रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नए हैं सब्सक्राइब करना यार चैनल को, और बेल आइकन दबा देना। तो यार वीडियो यहीं ख़त्म कर, लाइट भी कटा हुआ है इससे ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे। तो यार आई होप वीडियो को आपने इन्जॉय किया होगा, थैंक यू गाइस।